नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। जैसा कि इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर तहसील पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर जो है आज नामांकन का अंतिम दिन था, जिसे लेकर के तमाम जो पार्टी के और साथ ही निर्दलीय जो तमाम प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किए हैं। बताते चलें, यहाँ पर जो है लगभग कहें तो हमीरपुर, कुरारा और सुमेरपुर के तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करके जो है कहीं ना कहीं जो है एक बाजी खेलने का प्रयास किया है। वहीं जो तमाम पार्टियों से तमाम लोगों को घोषित किया गया है, वहीं पार्टियों से कुछ लोगों को टिकट न मिलने के चलते लोगों में भी कहीं ना कहीं एक जो है मायूसी देखने को मिली है। फिलहाल आप आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कितने लोगों ने यहाँ नामांकन दाखिल किया, कितने जो है अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और कितने जो है सदस्यों ने नामांकन किया है। क्या नाम है? मोहम्मद अरशद अंसारी। किस पार्टी से? कांग्रेस से। क्या एजेंडे रहेंगे आपके चुनाव में? मेरा एजेंडा ये रहेंगे, जैसे वाले जो फुटपाथ पे दुकानें जो बनी है, जो इधर उधर रखी जाती है, उन लोगों को पहले बार प्राथमिकता देना उन लोगों को, और जो बाढ़ वाड़ की जो पानी आ जाता है और जगह पे उनको भी सही करवाना। हिरेन शिवरे, मैं सुमेरपुर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नगर पंचायत सुमेरपुर का प्रत्याशी। अच्छा, सुमेरपुर विकास पंचायत में क्या आपके एजेंडे रहेंगे? कहाँ से? सुमेरपुर में विकास के एजेंडे की अगर बात की जाए तो सुमेरपुर विकास के मानकों में बहुत पीछे है। वहाँ पर हर, चाहे आप सड़क ले लीजिए, पानी ले लीजिए, नालियाँ ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पर। मानक तो अभी कोई बात ही नहीं है वहाँ पर, इतने अभी काम करने की शुरुआत से आवश्यकता है, बहुत बेसिक आवश्यकता है। तो क्या विगत वर्षों में निकाय में कोई विकास नहीं हुआ क्या? विगत वर्षों में निकाय चुनाव जो विकास होना चाहिए था, तो अनुकूल नहीं। किस तरह का नहीं हुआ विकास? जैसे कि नई बस्तियाँ है, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 4, जितनी ये नई बस्तियाँ हैं यहाँ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और नई बस्तियों को ध्यान न देने की वजह से पूरी बस्तियाँ बस चुकी हैं। वहाँ पर रोड नहीं, ना वहाँ पर RCC है, ना लाइट है, ना नाली है। लोग जाते हैं बरसात में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का, हर मौसम में दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। किस पार्टी से चुनाव लड़ा है? मैं समाजवादी पार्टी से। क्या विकास के एजेंडे रहेंगे नगर निकाय में? नगर निकाय में विकास के एजेंडे सर्वप्रथम तो ये जो नालियाँ बजा रही हैं, नालों में जो गंदगी भरी है, कई वर्षों से नाले साफ़ नहीं हुए हैं, सबसे पहले तो इनमें सफाई कराई जाएगी जिससे कि संचारी रोगों में रोकथाम हो सके। उसके बाद दूसरा है अल्ला प्रथा, जो रोड में जानवर बैठते हैं, गोबर कर के गंदगी करते हैं, इसमें रोक लगाने का प्रयास करूँगा। और जो RCC रोड खरंजा जहाँ नहीं होगा उनको मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी बात करती है, वो जिसकी भी बात करती है उसको बर्बाद कर देती है। वो चाहे गाय की बात करे या महिलाओं की बात करे, वो जिसकी बात करती है उसकी सिर्फ उपेक्षा करना शुरू कर देती है। बात तो बड़ी बड़ी करती है, काम कोई नहीं करती है। हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए और सभासदी का अपना अप्लाई किया है। क्या विकास के एजेंडे हैं आपके? किस प्रकार से विकास करेंगे वार्डों का? अपने वार्ड का विकास बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ का जो भी करना है हमें विकास को आगे बढ़ाना है और अपने वार्ड को चमकाना। जैसे कुछ सोच रखा है आपने जो पिछली बार से ना हुआ? हमारे वार्ड में नाला का कार्य है और जो रोड है, नाली है और बत्ती है, पानी है, इसकी सारी सुविधा करने के प्रयास में हम लगे हैं। सरकार कहती है जगह जगह नालियाँ और खड़ंजा सारा कुछ कंप्लीट कर दिया गया है, तो क्या आपको लगता है विकास नहीं हुआ अभी तक? नहीं, विकास हुआ है। को जो नई बस्ती बन रही है अभी, उस वार्डों में अभी थोड़ा सा उन गलियों में रह गया है, उसका विकास कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम राहुल गुप्ता। क्या एजेंडे रहेंगे आपके नगर विकास के लिए? मेरा जो सबसे पहला काम रहेगा कि हमारा सुमेरपुर नगर पूरी तरह साफ और स्वच्छ बने। तो इसके अलावा जो लोगों को छोटी छोटी समस्याओं की परेशान होना पड़ता है, वो सारी परेशानियां हम लोग टाउन के माध्यम से निपटाएं, नगर को इकट्ठा करें, संगठित करें, नगर में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार की दादागिरी ना हो, ये प्रयास हम लोगों का है। क्या कुछ अलग हटके आपने सोच रखा है कि अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस तरीके से जो है जनता का विश्वास कायम रखेंगे? मेरा जो सबसे विशेष है
मेरा ये है कि कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ और सुमेरपुर को नशा मुक्त बनाना चाहता हूँ। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैंने सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना आवेदन किया है अजय पालीवाल के नाम से। सुमेरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं आज मैदान पर उतरा हूँ। क्या विकास के एजेंडे रहेंगे आपके? विकास का एजेंडा, सबसे पहली बात हम बता दें आपको, हमारे पिताजी नगर के 3 बार अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नगर के विकास के लिए समर्पित किया। निवर्तमान चेयरमैन के रूप में वह इस समय भी थे और उनके द्वारा जो विकास कार्य रुके हुए हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रयास ये होगा कि जितनी भी सड़कें, पानी, विद्युत या केंद्रीय विद्यालय की जो पुरानी बिल्डिंग हमारी निर्माणाधीन होनी थी, लंबे समय से उसकी अस्थाई क्लासेस चल रही हैं, उसको एक बिल्डिंग के रूप में अच्छी बिल्डिंग बने, नवीन बिल्डिंग बने, हम चाहेंगे कि उसका प्रयास करें। और सुमेरपुर में मिनी स्टेडियम जो लंबे समय से प्रस्तावित है, उस पर कुछ अड़चनें आ रही हैं, कानूनी अड़चनें आ रही हैं, हम चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ मिनी स्टेडियम का भी काम अच्छे से। सभा सुपथ के लिए अरविंद कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 18 रविन्द्रनाथ टैगोर। अपने मोहाल का जो है वार्ड नंबर 18 का पूरा विकास करना है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को कोई दिक्कत ना आना चाहिए। ये सब अपना एजेंडा है अपना। क्या इस बार विकास नहीं हो पाया, कैसे? अब वो नहीं हो पाया तो कोई मतलब नहीं, क्या करेंगे। वो तो ऐसा है कि नहीं हो पाया तो फिर अगली बार प्रयास करेंगे। क्या कुछ अलग सोचा है आपने? सोचा यही है कि जब अपना जो है अच्छे अपने नगर का विकास करवाना है, नगर का विकास करना है, अपने वार्ड का विकास करना है, यही अपना उद्देश्य है। मेरा नाम प्रेम रंजन है, वार्ड नंबर 8 संजय गांधी नगर से अप्लाई किया। क्या विकास के एजेंडे रहेंगे आपके इस चुनाव में? हमारे यहाँ जो सफाई का मामला थोड़ा सा गंभीर है, मच्छर वच्छर लगते हैं, सफाई न होने के कारण पानी भरा रहता है गड्ढों में, यही सारी चीज़ों की व्यवस्था दुरुस्त कराने की वजह चल रहा है। और कुछ लोग जो नहीं पहुँच पाते टाउन एरिया पर, जो जाते नगर पंचायत में, उनका काम नहीं होता, इस वजह से इनका काम। कैसी कैसी शिकायतें आती रही हैं हमारे वार्ड में? इस बार पानी की समस्या, सफाई की समस्या, ये तो शुरू से बना रहा है। और भी है, जैसे नगर पंचायत में बहुत से लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग, उनका काम नहीं किया जाता, उनको वापस कर दिया जाता है। वो समस्याओं को मुझे, मेरे पास आती रही, मैं जाता रहा उनके पास, उनका काम कराता रहा सर। और मैं चाहूँगा कोई बुजुर्ग आदमी परेशान ना हो और उनका काम सही ढंग से होता रहा। यानी कि ये कहें कि आप जो है सभासद ना होके भी आप लोगों के कार्य करवाते रहें? मैं 10वीं साल से सर करवाता रहा हूँ, ये चीज़ को मेरे वार्डवासी सभी जानते हैं। तो कैसा प्यार मिल रहा है आपका जनता का? अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों के, कि जो 10वीं साल से निस्वार्थ काम करता रहा है, तो उसको हम जिता लेंगे और आगे ऊपर वाली की मर्जी क्या होता है। नगर का विकास और साफ सफाई को लेकर के जिन क्षेत्रों में अब तक विकास नहीं पहुँचा है, उन क्षेत्रों में विस्तृत अभियान लेकर के मैं विचार करना और जन समस्याओं के लिए नगर दिवस लागू करना। सरानी कबीर पुरारा से अध्यक्ष पद के लिए मैंने भरा है। क्या एजेंडे हैं आपके इस बार चुनाव में? एजेंडे हैं, देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, पूरा विकास हो रहा है प्रदेश में, जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हुए हैं। ये मेरा एजेंडा है, मैं अभी जीतूंगी तो आगे चलकर अच्छे काम करूंगी। अब इस बार क्या अलग आपने सोच रखा है, किस तरीके से जो नगर का विकास करेंगी? वैसा मैं जीत के आती हूँ, बढ़िया अच्छा विकास करूँगी, अलग हटके ही काम करूँगी, क्योंकि मेरी सरकार है, सरकार से मुझे अच्छी मदद मिलेगी, मैं बहुत अच्छा काम करने का सोच रही हूँ। जी आपका किस पद के लिए अप्लाई किया है? अध्यक्ष पद के। कहाँ से? क्या विकास के एजेंडे हैं आपके, किस प्रकार से विकास करेंगे? ये है कि कुरारा में विकास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जो सड़कें चारों तरफ ध्वस्त पड़ी हैं नगर कुरारा में, उनका विकास करवाएंगे। क्या कुछ इस बार कार्य नहीं हुआ था? जो नहीं हुआ वो हम करेंगे। अच्छा, और क्या अलग सोच रखी है आपने नगर को, किस तरीके से विकसित करेंगे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं या पुरुषों को, सभी को सम्मान देंगे, और जो उनके कार्य होंगे
जो वादे के साथ करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, झूठे वादे न करेंगे। नहीं तो क्या वादे हैं आपके, क्या जनता से वादे कर रहे हैं? जनता से ये वादे हैं कि जैसे मान लो जिसके नाले के पास घर हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही है, बारिश से बहुत बाढ़ से बहुत ज़्यादा इस बार पीड़ित हो गया था नगर, तो उसको नाले के अच्छे से सफाई करवाएंगे, ऊंचाई बढ़वा सकते हैं, कराएंगे उनकी, और जो जिनके आवास नहीं उनको आवास दिलाएंगे, और जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर। क्या एजेंडे हैं, किस तरीके से आप वार्ड का विकास करेंगे? एजेंडे तो इतने हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली हमारी आबादी है, अभी की आबादी है नहीं, तो उसमें हमारी आधी से अधिक आबादी ऐसी है कि उस पर एक ब्याज तक कोई ईट है ना पानी है, आरसीसियाँ भी कोई भी नहीं, तो इसी उद्देश्य से हम लोग हैं, अपने एरिया में लग सर्वे हैं, फिर करके आ रहे हैं, अगर एरिया के आदमियों ने हमें समर्थन आया तो उस पर खरा उतरेंगे। जी मेरा नाम पवन साहू है, वार्ड नंबर 18 भरुआ समीरपुर से सभासद पद का मैंने नामांकन किया है। जैसे अगली बार विकास हम लोगों ने किया है और जो कमियां रही हैं वो कमियों को हम दिल से और लगन से पूरी करके और जो सरकार से जो योजनाओं का जो लाभ होगा जनता को सब वो लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे हम लोग। मेरा नाम महेश गुप्ता दीपू है, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल से, और इस समय मैंने सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। क्या एजेंडे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके, किस प्रकार से कस्बे का विकास करेंगे? पूर्व में भी चुनाव लड़ा था और रनर कैंडिडेट के रूप में मैंने चुनाव लड़कर कस्बे में 1717 मत हासिल किए थे, जिसमें जनता द्वारा मुझे अपार प्रेम मिला था, चूँकि मेरा प्रथम चुनाव था, और पिछली बार भी मेरा एजेंडा वही था और इस बार भी मेरा एजेंडा वही है, क्योंकि पूर्व में बने जो भी तमाम अध्यक्ष रहे उन्होंने सिर्फ सुमेरपुर कस्बे की जनता का शोषण किया है, उनकी मनोभावनाओं का खिलवाड़ किया है, उनके साथ विश्वासघात करने का कार्य किया है, और आज भी हमारे सुमेरपुर में जो भी नए वार्ड बने हैं, आज नामांकन का अंतिम दिन है, आज भी हमारे कस्बे में जो नए वार्ड बने हैं वहाँ पर नामांकन के लिए केवल 5 मिनट शेष है, जो 12 महीने पेयजल समस्या बनी रहती है, और कुछ कस्बे के नए वार्ड हैं जहाँ पर थोड़े से जल भराव की समस्या होती है, कस्बे में केवल कहीं भी 5 मिनट जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा हमारा कस्बा तमाम भूमाफियाओं से इस समय परेशान है। हमारे तमाम एजेंडों पे लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं नगरवासियों को बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर मैं उस मुकाम तक पहुंचा, नगर पंचायत की सीट तक पहुंचा, तो मैं सुमेरपुर की जनता को एक नया सुमेरपुर देने का, एक सुमेरपुर में कीर्तिमान रचने का कार्य करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।